नमस्कार दोस्तों, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने पहले दो वीडियो में देखा कि हम लोगों ने ये सब टूल्स, ड्राइंग टूल्स और सिलेक्शन टूल्स पहले और दूसरे वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी हम ये जो तीसरा जो कैटेगरी है अदर इम्पोर्टेंट टूल्स, और इसमें जो टूल्स है आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये सही में बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है। ये वीडियो को मैं चाहूँगा बार बार देखो और इसकी मैक्सिमम हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि इन टूल्स को अगर आपने सीख लिया तो आपको फोटोशॉप 30-40% आ गया समझ लीजिए, इतने इम्पोर्टेंट ये टूल्स है। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से आप देखना और जितना हो सके उतना परफेक्टली इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टूल इसमें आता है वो है पेन टूल। पेन टूल की शॉर्टकट की पी है। मैंने अभी कीबोर्ड पे से पी बटन दबा दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेन टूल एक्टिव हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेंगे। मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ले रहा हूँ। देखिए, फाइल न्यू आपको अगर लेनी है तो फाइल में से आप ले सकते हो। यहाँ पे रेंडमली कोई भी फाइल का आप नाम दे सकते हो। जैसे मैं इसको अभी SA1 नाम दे देता हूँ। फिर प्रीसेट में जाके आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, कस्टम पे ही रखना है। बाकी दूसरा कुछ करने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो कस्टम कर लिया। फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है साइज़। तो फाइल की विथ में आपको साइज़ कितनी चाहिए, यहाँ पे अलग अलग डायमीटर्स भी दे के रखे हैं। पिक्सल में चाहिए, इंचेस में, सेंटीमीटर में, तो ये सब चीज़ें अलग अलग है। यूजली हम लोग क्या करेंगे, इंचेस में ही काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंचेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 10 इंच बाय 10 इंच की फाइल ले रहे, विथ में भी हम लोग इंच ही सिलेक्ट करेंगे। और रिजोल्यूशन यहाँ पे रखेंगे उसका 150। आप 150 से ज़्यादा रिजोल्यूशन ना रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन आप रखोगे उतनी आपकी फ़ाइल हेवी हो जाएगी। अभी मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि रिजोल्यूशन क्या होता है। विथ और हाइट तो आपको पता ही है। तो रिजोल्यूशन मतलब पिक्सल पर इंच, एक इंच के अंदर आपके कितने पिक्सल्स आएंगे, इसका मतलब होता है रिजोल्यूशन। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इमेज, कोई भी फ़ोटो पिक्सल से बनता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अभी इसको ओके कर देता हूँ पहले RGB कलर सिलेक्ट करके, क्योंकि अपने को जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है वो RGB कलरफुल बनाना है। अगर आपको बिटमैप बनाना है, बिटमैप, ग्रे स्केल, ये सब चीज़ें क्या है वो भी मैं आपको बाद में धीरे धीरे करके बताता हूँ। बट शुरुआत हम RGB से करेंगे। RGB सिलेक्ट करके ओके मैंने यहाँ पे कर दिया है, और इस तरह से 10 बाय 10 इंच का यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो जैसा कि मैं आपको बात कर रहा था कि आपको मैं पिक्सल दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने एकदम पूरा जूम कर लिया है फाइल को। कंट्रोल स्पेस दबा के मैंने ये जो है जूम फुल कर लिया है। जूम करने के बाद मैं यहाँ से मर्क्यू टूल सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक छोटा सा सिलेक्शन लिया। अब ये जो सिलेक्शन इतना छोटा आप देख रहे हो, जो इतने ज़्यादा जूम मैंने यहाँ पे देखिए आप 3200% तक जूम कर लिया है, तो ये जो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सिलेक्शन लिया है वो एक्चुअली अपना पिक्सल है। ऐसे 150 पिक्सल 1 बाय 1 इंच के एरिया में आपके आ सकते हैं स्क्वायर इंच में, इसलिए वहाँ पे पिक्सल पर इंच जो आप इमेज साइज़ में देख रहे हो यहाँ पे, मैं इमेज में जाके इमेज साइज़ कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 बाय 10 इंच की फ़ाइल है, तो मतलब 1500 बाय 1500 पिक्सल्स अपने अभी एक फ़ाइल में है। अभी ये पिक्सल जो है एक बहुत ही छोटा रहता है, तो इसको अगर मैं कलर फिल कर दूँ, समझ लो यहाँ पे मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ और इसमें ये ब्लैक कलर में फिल कर देता हूँ। फिर मैं व्यू में जाके अगर इसकी प्रिंट साइज़ देखूँ तो देखिए इतना छोटा है कि आपको स्क्रीन पर दिखेगा भी नहीं कि कहाँ पर ये पिक्सल है। तो इस तरह से देखिए कहीं खो गया है, तो मैं पूरी फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं अपने पेन टूल से। ये मैंने पेन टूल सिलेक्ट कर लिया। पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद इसका यूज़ क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने को अगर खुद क्रिएट करना है, ड्रॉ करना है और एकदम प्रोफेशनली आना चाहिए, एकदम जैसे आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा, बराबर बनेगा नहीं। पहले वीडियो भी मैंने एक लीफ ड्रॉ करके बताई थी आपको, तो ये लीफ जो है ना ये एकदम रफ आई है। देखिए ये इस तरह का वर्क कोई पसंद नहीं करेगा। तो पेन टूल से क्या होता है, आप यही लीफ एकदम अच्छी क्वालिटी के साथ बना सकते हो। तो चलिए
ये लीफ को ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से ना एक रबर बैंड का जो ऑप्शन आता है वो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि ये इस तरह से दिखेगा। अगर मैं ये ऑप्शन बंद करूँगा तो यहाँ पे भी कुछ भी दिखेगा नहीं, तो मेरा जो है ना पॉइंट जो कनेक्शन है वो मेरे को दिखेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन रखेंगे रबर बैंड को। फिर मैंने देखिए यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग किया, इधर खींचा मैंने इसको पॉइंट को, फिर यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दिया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक करके वापस उसको खींचा। अब ये जो जगह मैं चूज़ कर रहा हूँ मैं रेंडमली कर रहा हूँ, आप भी ऐसे रेंडमली कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर जगह पे आपका क्लिक होना चाहिए। आप शुरुआत में प्रैक्टिस करोगे, ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में आपका परफेक्ट शेप आ जाए। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके वापस मैंने यहाँ पे ड्रैग करके खींचा है, और फिर मैं यहाँ पे इसको टच कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरा ये शेप बन चुका है। अगर ये बनने के बाद भी अगर आपको कुछ इसमें करेक्शंस करने हैं कि भाई मुझे अमुक इसमें चेंजेस करने हैं, तो आपको कंट्रोल प्रेस करके इस शेप के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको जिस भी पॉइंट पे कंट्रोल पकड़ के रखना है आपको, ठीक है। फिर आपको जिस भी पॉइंट में करेक्शन करना है ना, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ से आप उसको कम ज़्यादा करना है, ठीक है, कोई भी लाइन को बढ़ाना घटाना है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे इस शेप को आप करेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल आपको बस पकड़ के रखना है और माउस से क्लिक कर करके इन पॉइंट्स को ऊपर नीचे आगे पीछे करना है। तो इस तरह से आप इनको जहाँ चाहिए वहाँ सेट कर सकते हो। एक बार आपकी पसंदीदा जगह पे आपने इस पॉइंट को सेट कर दिया, फिर आपको कंट्रोल बटन छोड़ देना है। फिर आपको वापस से यहाँ से अभी अपने को ये जो बीच की डंडी है ना, इसको ड्रॉ करना है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए इसका पूरा शेप बिगड़ गया। मैं वापस कंट्रोल सेट कर रहा हूँ। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको कंट्रोल प्रेस करके इस पॉइंट को यहाँ रखना है, ठीक है। इस तरह से मैंने रख दिया। फिर यहाँ पे थोड़ा इधर नीचे की साइड रख के आपको ऐसे ऊपर से ड्रैग करना है। फिर ऊपर जैसे ही आपने ड्रैग कर दिया, फिर आपको इसको कंट्रोल प्रेस करके उठा के इस तरह से यहाँ पे रखना है, और उसके बाद कंट्रोल छोड़ना नहीं है, पकड़ के ही रखना है और इस तरह से इसको नीचे खींचना है। जब ये ओके हो जाए तब आपको कंट्रोल पकड़े ही रहना है और वाइट एरिया में बाहर कहीं पर भी क्लिक कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इतनी लीफ बना दी है। अभी इसकी जो डंडियाँ यहाँ पे जो है ना, जो नसें है पत्ती की, वो अपन ड्रॉ करेंगे। वो भी आपको सिंपली वैसे ही करनी है, डायरेक्टली आपको इस लाइन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर आपको पॉइंट कोई गलत क्लिक हो जाता है तो आप सिंपली इसको डिलीट कर सकते हो, तो पॉइंट निकल जाएगा। और अगर बाय चांस आपका कहीं पे दूसरा वर्क भी इस तरह से बन जाता है गलती से, फिर आपको डिलीट करोगे तो पूरा का पूरा चला जाएगा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं। फिर आपको कंट्रोल अल्टर दोनों प्रेस करने हैं, और जो भी चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको ऐसे सिलेक्ट करना है। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो छोटा सा, ठीक है। अब इस तरह से सिलेक्ट करोगे और डिलीट करोगे तो जो सिलेक्टेड चीज़ है वही खाली डिलीट होगी। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और डिलीट कर लिया। इस तरह से आप इसको, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ कहीं पे भी बन जाती है, समझ लो ये मेरा इस तरह से कुछ गलती से बन गया इसके ऊपर, अभी मुझको इसको हटाना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, आपको कंट्रोल अल्टर दोनों प्रेस करना है और इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर इसको आपको डिलीट कर देना है। तो जो भी चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा बनेगी, हो सकता है ऐसा कोई पॉइंट भी बन गया हो जो आपको बाद में निकालना हो, तो आप इसको भी कंट्रोल अल्टर दोनों प्रेस करके सिलेक्ट करना है आपको और डिलीट कर देना है। तो देखिए इस तरह से इतनी अपनी लीफ बन चुकी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो नसें है इसकी आजू बाजू वाली वो बनाएंगे। उसके लिए मैं फिर से ऐसा क्लिक किया, उसको कंट्रोल प्रेस करके यहाँ रखा, फिर थोड़ा यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करके, ठीक है, ऐसे। फिर यही चीज़ इस जगह से करेंगे अभी। देखिए इस तरह से परफेक्टली बन जाएगा।
इसमें मेन यही चीज़ है कि आपको कब कहाँ पे ड्रैग करना है और कब कहाँ पे माउस का क्लिक छोड़ देना है। ये दो ही चीज़ों पे ये पूरी चीज़ डिपेंड करती है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा बना है। ठीक है, मैंने इतना कर लिया है। अब ये पेन टूल से तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, बट उसको अभी आपको इस तरह से ब्लैक कलर में आउटलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ प्रिंटेबल होगी। मीन्स अगर आप इस चीज़ का अगर प्रिंट आउट निकालते हो तो प्रिंट में आपका ये ब्लैक कलर ही दिखेगा, ये वाला कलर नहीं दिखेगा। ये जो लाइन है वायर फ्रेम है वो आपको नहीं दिखेगी। आप इसको यूँ समझ सकते हो कि बॉडी के अंदर जिस तरह से आपकी बोन्स रहती है, हड्डियाँ रहती है, वैसी ये चीज़ है। ये इसको आउटलाइन में तो अपन कन्वर्ट कर देंगे बाद में, तो ये चीज़ बाद में दिखेगी नहीं। तो मैं इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करूँगा, पेंसिल सिलेक्ट कर लूँगा। आप बी बटन दबा सकते हो या फिर यहाँ पे क्लिक करके पेंसिल सिलेक्ट कर सकते हो। करने के बाद में आपको इधर कॉर्नर पे कीबोर्ड पे जो एंटर का बटन है वो प्रेस कर देना है। तो उसके बाद में देखिए इसका आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया। तो ये पूरी वायर फ्रेम एक आउटलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। और अभी अपने को ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वायर फ्रेम जो ऊपर की है इसकी हमको अभी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो प्रिंट तो होने वाली है नहीं फाइल में भी। उसका काम तो हो गया, आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली डिलीट कर देंगे। डिलीट बटन जैसे आप प्रेस करोगे तो पूरी वायर फ्रेम निकल जाएगी। फिर पत्ती तो बन गई है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो मैंने पेंसिल से बनाई थी वो कितनी गंदी आई है पत्ती, और जो मैंने पेन टूल से बनाई है वो कितनी स्मूथ आई है। तो ये पेन टूल का बेसिक यूज़ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, अपना दूसरा टूल है टाइप टूल। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप पेन टूल की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। इसमें ये अकेला इकलौता ये शेप नहीं है, आप अलग अलग शेप इस तरह से बना के देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ पड़े तो आप मेरे वीडियो में बार बार देख सकते हो कि किस तरह से मैंने ये सब शेप बनाए हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे कवल का एक शेप बना रहा हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है, अगर ये आपने सीख लिया तो आपको बहुत काम आएगा डिज़ाइनिंग में। कभी भी कोई चीज़ आप क्रिएट भी कर सकते हो। देखिए इस तरह से मैं पूरा कवर ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं वीडियो के अंदर आपको जितनी भी चीज़ें ड्रॉ करके बता रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि ये सब चीज़ें आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। देखिए ठीक है, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, आउटलाइन में वापस कन्वर्ट कर देंगे और डिलीट का बटन दबा देंगे। तो वो चला गया। इसके बाद वापस मैं आपको एक दूसरा हार्ट शेप बना के दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, फिर इस तरह से हार्ट शेप भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो के साथ में आपको कुछ फाइल्स भी दूंगा जिसके अंदर कुछ इसी तरह के ऑब्जेक्ट होंगे जिसको आपको ट्रेस कर करके बनाना है। जैसे कि मैं अभी देखिए, जैसे इस आउटलाइन को मैं ग्रे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैंने हार्ट शेप को ग्रे में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको क्या करना है, इस तरह की मैं फाइल्स आपको इस वीडियो के साथ में अटैच करके दे दूंगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से प्रैक्टिस करनी है इस ग्रे कलर के ऊपर कि ये चीज़ें परफेक्टली कैसे बने। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया सबसे पहले, फिर यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसको खींचा, ड्रैग किया। और आपको खींचने के टाइम पूरा आपका ध्यान इधर होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे परफेक्टली उसके ऊपर बैठे। फिर आप मैंने यहाँ पे दूसरा क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे दूसरा क्लिक किया, और फिर यहाँ पे वापस क्लिक किया और खींचा। दोनों जगह पे मैंने उसको खींचा है, ड्रैग किया है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। फिर यहाँ पर अपने को इसको देखिए, अभी मैं यहाँ से इसको ऐसे करूँगा ना तो ये बैठेगा नहीं इसके ऊपर,
उसके लिए अपने को क्या करना है, सिंपली अल्टर प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये पॉइंट यही ख़त्म हो गया, इसका कॉर्नर बन गया यहाँ पे। फिर उसके बाद आप इसको इस तरह से ड्रैग कर करके इसको यहाँ पे टच कर देना है, तो आपका हार्ट शेप इस तरह से बन जाएगा। फिर आप उसको एंटर दबा के इसको सिंपली आउटलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना पेन टूल। नेक्स्ट टूल की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो है अपना टाइप टूल। टाइप टूल मतलब आपको टाइप करना है उसके अंदर, तो टाइप कर सकते हो आप किसी भी फाइल के अंदर। दूसरा इसमें कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस। टाइप करने के लिए आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से कर्सर दिखाई देगा, फिर आप जो भी चाहिए इसमें टाइप कर सकते हो। ठीक है, अभी टाइप करने के बाद में अपने को इसमें और भी कुछ करेक्शंस कर सकते हो, जैसे कि ये टाइप टूल के सब ऑप्शंस है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले इस तरह से। आपको यहाँ से अगर इसका कोई, सबसे पहले इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से टाइप कर लिया। फिर यहाँ से हम लोग क्या है, इसको अलग अलग चीज़ें अप्लाई करा सकते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड और कंडेंस्ड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे सेमी बोल्ड है। इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस है, आप अपने को जिस तरह का फॉन्ट चाहिए उस तरह से फॉन्ट यहाँ से आप ले सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स दिए हुए हैं, आपको जो भी पसंद है यहाँ से आप फॉन्ट चूज करके अपनी फाइल में किसी फोटोग्राफ्स के ऊपर आपको नाम डालना है वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ से इसका साइज़ कम ज़्यादा होता है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। फिर ये शार्प, नन, क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग, ये सब छोटे छोटे ऑप्शंस हैं। ये आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, ये आपको दिखेंगे जब आप फाइल को जूम करोगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये थोड़ा थोड़ा ब्लर हो चुका है, बॉर्डर में थोड़ा ग्रे शेड आ गया है इसके। फिर मैं यहाँ से अगर इसको शार्प करूँ तो यही चीज़ थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, कि नन अगर करूँ तो ये एकदम से शार्प हो जाता है, मीन्स कट टू कट हो जाता है एकदम। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे स्मूथ करने से देखिए वापस शेडिंग आ गई है हल्की हल्की। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ पैराग्राफ टाइप करना है, समझ लीजिए कि आपको कुछ पैराग्राफ टाइप करना है, तो आप पैराग्राफ टाइप इस तरह से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इसका फॉन्ट मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं ऐसे ही कुछ भी आपको दिखाने के लिए खाली टाइप कर रहा हूँ। जैसे वर्ड में ऑप्शंस आते हैं वैसे ही सेम इधर भी ऑप्शंस है। तो देखिए, मैं यहाँ से इसको भी सिंपल फॉन्ट कर दिया है, थोड़ा अभी थोड़ा ज़्यादा ही फैंसी है, चलो इस तरह का फॉन्ट है समझ लीजिए। फिर यहाँ से जो तीन ऑप्शंस है, इससे क्या होगा, जो अपन इस तरह का लेआउट दिखेगा, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसा पोएट्री टाइप का लेआउट दिखेगा, और यहाँ से करोगे तो इस तरह से यहाँ वाला लेआउट दिखेगा। मीन्स आप जो भी टाइप करोगे वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब टाइप टूल के तीन ऑप्शंस यहाँ पे देके रखे हैं। उसके बाद जो उसके आगे वाला जो ऑप्शन है वो है कलर का। आपने जो भी टाइप किया उसका अगर आपको कलर बनाना है, तो आप यहाँ से कोई भी कलर में वो टाइपिंग बना सकते हो। टाइपिंग में जो भी आप लिखोगे उसका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कलर चेंज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, खाली यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप उसका जो चाहिए वो कलर चूज़ यहाँ से करके अपनी टाइपिंग को दे सकते हो। इसके बाद देखिए, अभी यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें टाइप की है, यहाँ लेयर में उसके दो लेयर बन चुके हैं, तो यहाँ से आप इस लेयर को चालू बंद भी कर सकते हो। दोनों लेयर देखिए चालू बंद हो रहे हैं। लेयर स्टाइलिंग वगैरह क्या है वो सब अपन बाद में देख लेंगे। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये है, यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। रैप टेक्स्ट में क्या आता है कि यहाँ से आप इस तरह से है ना फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, उसके लेआउट को इस तरह से आप बदल सकते हो। फ्लैग चाहिए आपको, यहाँ से उसको कितना बेंड होना चाहिए है ना, वो सब चीज़ें यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा भी आपके अकॉर्डिंग आपको अच्छा लगे आप उस तरह की टाइपिंग यहाँ से कर सकते हो। तो ये हो गया टाइप टूल। टाइप टूल के बाद नेक्स्ट टूल के पास अपन आगे बढ़ते हैं, पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल एक्चुअली क्या है ना, कि वो
पाथ से रिलेटेड टूल है, पेन से ही रिलेटेड टूल है। अगर आप इस तरह से कोई भी पाथ ड्रॉ करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो पेन टूल से, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। अगर आपने पेन टूल से कोई भी चीज़ ड्रॉ की है और आपको ये सिलेक्ट करनी है, तो आपको पेन सिलेक्शन टूल की ज़रूरत पड़ती है सिलेक्ट करने के लिए। बट जैसा कि मैंने बोला था, अगर आप कंट्रोल अल्टर दोनों बटन दबा के आप इसको सिलेक्ट करते हो तो ये वही चीज़ हो जाती है, ठीक है। कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके आप इसको सिलेक्ट करो तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस किए हैं और ये पेन पाथ सिलेक्शन टूल एक्टिव हो चुका है, तो ये सिलेक्ट करने के लिए खाली उसका काम होता है। तो आप जनरली इसके ऊपर क्लिक ना करते हुए कंट्रोल अल्टर से सिलेक्ट करोगे तो भी होगा, कंट्रोल शिफ्ट से सिलेक्ट करोगे तो भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका पाथ सिलेक्शन टूल का यूज़ है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जिसका नाम है शेप टूल। तो शेप टूल की फ्रेंड्स जो शॉर्टकट की है वो यू है, और यहाँ पे देखिए अलग अलग सब ऑप्शन दे के रखे हैं। रेक्टेंगुलर है, फिर राउंड है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, लाइन है और कस्टम शेप टूल है। ये सब अलग अलग टूल्स के ऑप्शन दे के रखे हैं। अभी इनका यूज़ क्या है कि आपकी फाइल में आगे कहीं पे भी आपको अगर स्क्वायर या फिर सर्कल की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह से आप डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है। अभी जो कलर यहाँ होगा वही कलर इसमें आ रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें अपने आप से कलर नहीं आए, मैं जो कलर डालूँ वही आए, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको ये जो है सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो कि पेन टूल से जो भी आप ले रहे हो एकदम ब्लैंक, जो भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो एकदम ब्लैंक आ रहा है। तो जैसे ब्लैंक आने के बाद आपको इसमें अगर कोई दूसरा कलर फिल करना है, तो मैं यहाँ से देखिए ब्लू कलर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको करूँगा मैं फिल पाथ, लेकिन फिल पाथ का ऑप्शन अभी यहाँ पे एक्टिव नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि अब हम अभी जिस लेयर्स में हैं उसमें ऑलरेडी ये सब शेप बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नया लेयर लेंगे यहाँ से, यहाँ से आप एक नया लेयर अपने ब्लैंक लेयर ले सकते हो आप जिस काम करने के लिए। फिर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको फिल पाथ कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको भरना क्या है। फोरग्राउंड कलर अगर सिलेक्ट रहा तो ये जो ऊपर का ब्लू कलर है वो अंदर फिल हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर अगर सिलेक्ट रहा तो ये बैकग्राउंड का कलर जो वाइट है वो फिल हो जाएगा, जो अपने को दिखेगा भी नहीं। फिर इसके बाद पैटर्न भी है, हिस्ट्री भी है, कोई अपने को पैटर्न चाहिए तो पैटर्न भी उसमें डाल सकते हैं। तो ये तो सब चीज़ें अपन बाद में देख लेंगे धीरे धीरे, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फोरग्राउंड कलर डालेंगे इसके अंदर। तो ओके कर देते हैं। तो देखिए इसके अंदर है ना फोरग्राउंड कलर आ चुका है, फील पाथ, सॉरी बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट था, इसके लिए बैकग्राउंड कलर आया है। यहाँ से फोरग्राउंड कलर सिलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए इसके अंदर ब्लू कलर आया है, और ब्लू कलर आने के बाद फिर ये जो पाथ जो बनी है अपनी पेन टूल से जो भी बनाते हैं वो यहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको शेप टूल का यूज़ करके कोई भी चीज़ यहाँ से रेडीमेड ले सकते हो। रेक्टेंगल टूल है तो यहाँ से आप इस तरह से रेक्टेंगल ले सकते हो। इसके अंदर कोई दूसरा कलर हमको अगर फिल करना है तो वो भी हम यहाँ से इजीली फिल कर सकते हैं फिल पाथ करके, ठीक है। फिर ये पाथ डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे जो शेप है वो आप यहाँ से लेके कोई भी अलग अलग टाइप के शेप यूज़ कर सकते हो। फिर फ्रेंड्स इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो है कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल में क्या होता है कि यहाँ शेप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन रेडीमेड आ जाते हैं। तो आपको कुछ ड्रॉ करना नहीं और कोई रेडीमेड ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तो आप इस तरह से पेन टूल का बनाया हुआ कोई भी एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट लेके उसके अंदर आप कलर फिल कर सकते हो या फिर उसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। आउटलाइन में कन्वर्ट करना हो तो आपको सिंपली यहाँ से पेंसिल का बटन दबाना है और कॉर्नर का जो एंटर का बटन है वो आप दबा दोगे तो ये आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको आउटलाइन में कन्वर्ट नहीं करना है, पूरा इसके अंदर एक ही सिंगल कलर का पैच भरना है, तो वो भी आप भर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेन टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल पाथ करेंगे, तो ये फोरग्राउंड कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से उसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं।
और अगर हमको कलर भी नहीं दूसरी कोई चीज़ अंदर फील करनी है, मान लीजिए मुझे इसके अंदर ग्रेडिएशन फील करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल और एंटर प्रेस कर दूँगा और फिर यहाँ से ग्रेडिएशन टूल सिलेक्ट करके मैं इसको इस तरह से करूँगा तो ये ग्रेडिएशन भी इसके अंदर आ जाएगा। देखिए इस तरह से इसके अंदर ग्रेडिएशन भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये रेडीमेड शेप टूल का यूज़ करके आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ ड्रॉ भी कर सकते हो। पेन टूल के हिसाब से पेन टूल यूज़ करके आप कोई भी चीज़ ड्रॉ भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से रेडीमेड शेप लेके उनको अपने डिज़ाइनिंग में या अपने फ़ोटोज़ में कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों ने जो भी टूल्स जाने हैं इनके आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।